नौआगत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खड्डा तहसील में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। कुल 59 मामले में से 8 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खड्डा तहसील में संपन्न हुआ। इसमें कुल 59 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व विभाग के 21 मामले आए, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण हुआ। पुलिस विभाग के 8 मामले, राजस्व और पुलिस के संयुक्त 4 मामले, विकास के 6 मामले, इन सभी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। खाद्य और रसद विभाग के 7 मामले आए, जिसमें से 1 का निस्तारण और 6 को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। अन्य विभागों के 13 मामले आए, जिनमें से मात्र 3 का मौके पर निस्तारण हो सका। वहीं तहसील परिसर में 2 गेट बने हुए हैं, जिसमें से 1 गेट का संचालन हो रहा है। इसके ठीक सामने देसी शराब की दुकान है, जिसके कारण शराबियों का अड्डा बना हुआ है। दूसरे गेट में वर्तमान समय में अस्थायी रूप से बंद है, जिसके कारण आम जनमानस, अधिवक्तागण, मुंशीगण, स्टाफ वेंडर व वादीगण को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तथा कैंटीन का संचालन न होने के कारण चाय नाश्ता हेतु तहसील परिसर के बाहर लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, तथा साइकिल स्टैंड की नीलामी न होने के कारण चारों तरफ मुख्य गेट के आसपास सड़कों पर साइकिल, मोटरसाइकिल और चरपहिया वाहन का जमावड़ा लगा रहता है। इससे आने जाने वाले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिसर में बने दुकानों की नीलामी न होने के कारण कोई स्थायी दुकान नहीं है। कैंटीन, साइकिल स्टैंड और दुकान की नीलामी को लेकर खड्डा के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया और इस समस्या के समाधान के लिए मांग की। साथ ही विभिन्न तरह के और भी आवेदन आए, जिसमें से कुछ लोगों से, कुछ वादियों से हमारी संवाददाता ने बात की। आइए सुनते हैं टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। हाँ, मैं विपिन ओझा। समस्या क्या? हाँ, समस्या है कि बड़ी नहर से एक नहर निकली हुई है हम लोगों के गांव के बगल से, हरपुर राजवाहा, वो से सारे किसान भाई और गांव के, कई गांव के लोग उस रास्ते से आते जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ माह से जब नहर विभाग से सिल्ट निकाली गई तो वो नहर की पटरी पे डाल दी गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। लोग खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं, आ जा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लंबा चक्कर लगा के तब आते जाते हैं। इसके समस्या से निदान के लिए हमने सिंचाई विभाग के जिम्मेदार लोगों से कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज पता चला है कि जिलाधिकारी महोदय हमारे तहसील में आए हुए हैं। एक अच्छा अवसर पाके हमने एक प्रार्थना पत्र बनाया जनहित में, और उनसे अभी मुलाकात हमने की है। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसको लिया है और एक्सीएन महोदय सिंचाई विभाग से मिला करके कहा है कि ये शिकायत जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, दोबारा हमारे पास ये नहीं आनी चाहिए। समस्या कब से बनी हुई है? जी, कब से बनी हुई है ये समस्या? लगभग 1 साल से बनी हुई है, जिससे बहुत समस्याएं, काफ़ी समस्या है। लोगों का आना जाना, खेतीबाड़ी नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो आज मतलब लग रहा है कि समाधान हो जाए। समस्याएं हैं तो हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ रहा है, 2000 से कोई काम नहीं चल रहा है, अपनी पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का मानदेय 2000 से 10000 की जाए, बाल व्यवस्था हटाया जाए, हम लोग का स्थायी हो जाए, यही हम लोग का समस्या है। अगर नहीं काम का रसोईया संघ नहीं मिलती है, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने, कभी 3 महीने, ऐसा ही हम लोग का सैलरी रुक जाता है। हम लोग का 4 महीना हो गया रुका है। घर में कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, पति पत्नी आप लोग? हाँ। ना, ये किसान है। 60 रुपये में आपको अपना परिवार चलाना? हाँ, चलाना पड़ता है, उससे चल पाता है, नहीं चल पाता है। हम लोग रोते हैं, भी लगते हैं, जब हम लोग का मानदेय बढ़ा, जब अपने घर परिवार को देखें, इतना लोग इस रसोई में मेहनत करते हैं, लेकिन कोई हम लोग का बात नहीं सुन रहा है, न योगी न मोदी। तनख्वाह मांग रहा है, अपन तनख्वाह मांग रहा है, हमने तनख्वाह बाकी बा। कितने दिन से? 5 महीना हो गए। हाँ, क्या नाम है? नेताजी। क्या समस्या बा? समस्या ये बा कि हम लोग का तनख्वाह बढ़े के चाहिए। 60 रुपया में का होता? कौन चीज के तनख्वाह? रसोईया में के। रसोईया में काम करते हैं जी। हर महीने पेमेंट मिल जाता है? नहीं, 4 महीने पर, 3 महीने पर, 2 महीने पर। कितने दिन से बात? 3 महीना के एक बार, 2 महीना के एक बार। अभी स्कूल खुला है तब से मिला नहीं है तनख्वाह। हाँ, रोज एक दिन बाकी नहीं है। और क्या क्या मांगे आपको? वही तनख्वाह के हम लोग का इतराज है, दूसरा कुछ नहीं। केवल तनख्वाह बढ़ाया जी।